हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ए बेटा यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली भर्ती को लेकर के। जैसा कि सभी अभ्यर्थी यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं कि JTC लिस्ट है वो कब तक आने वाली है। सेकंड बैच के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको आधिकारिक जानकारी के बारे में बताएंगे क्या दोस्तों ऊपर से खबरें निकल के आ रही हैं। सेकंड बैच के अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान है, क्या हमारी JTC लिस्ट है वो कब तक आएगी, साथ में जो JTC है 22 अप्रैल से होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर के संशय बना हुआ सभी अभ्यर्थियों में, और ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि JTC है वो आगे बढ़ रही है, और बहुत से अभ्यर्थियों का यही भी कहना है कि JTC है वो 22 अप्रैल से ही होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों जो भी अपडेट होती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सेकंड बैच के अभ्यर्थी हैं वो JTC का दोस्तों यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि यहाँ पर खबरें निकल के आ रही हैं JTC डेट है वो यहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसा दोस्तों अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि JTC अब 22 अप्रैल फिर नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो उससे पहले एक नोटिस आया था जिसके अंदर बताया गया था, और उस नोटिस में यहाँ पर बात की गई कि आपकी 22 अप्रैल फिर JTC शुरू होगी। उसके बाद जस्ट दोस्तों फिर से एक नोटिस आया, नोटिस पर नोटिस दोस्तों आ रहे हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, और दोस्तों ये भी जानकारी दी जा रही है कि इस टाइम दोस्तों COVID-19 है वो ज़्यादा ही है, और उससे पहले दोस्तों 14,000 के जो कैंडिडेट हैं वो दोस्तों अभी फिलहाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। FA में दोस्तों अब ये है कि भर्ती बोर्ड ये चाहता है अगर सरकार के पास जगह होगी तो आपको ट्रेनिंग के लिए अवश्य भेज दिया जाएगा, और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से ट्रेनिंग। दोस्तों हमारा यही कहना है कि 22 अप्रैल से ट्रेनिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर दोस्तों उसमें एक कारण है, भर्ती बोर्ड फिलहाल में अभी चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर ड्यूटी लगाई गई है, और उसके बाद जो नोटिस है वो दूसरा नोटिस भी आ चुका है जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी जो JTC है लगभग आगे बढ़ चुकी है, और उसमें जो कि 14,000 वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो POP डेट है वो भी यहाँ पर बता दी गई है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट जो बताई गई थी कि आपकी जो JTC लिस्ट है वो 10/4/2021 को जारी कर दी जाएगी, मगर दोस्तों अभी तक JTC लिस्ट का कोई भी अता पता नहीं है, ना ही दोस्तों कोई अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि JTC लिस्ट कब तक आएगी। अधिकारियों का दोस्तों यही कहना है कि बस जो भी अपडेट आएगी आगे की जानकारी आपको दोस्तों नोटिस के माध्यम से दी जाएगी, मगर दोस्तों 14,000 वाले अभ्यर्थी हैं उनका तो दोस्तों नोटिस आ चुका है। अब ऐसे में अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हमारा नोटिस जो 17,360 वाले कैंडिडेट है उसका नोटिस कब तक आएगा। ये नोटिस दोस्तों यहाँ पर ये आया हुआ था, ये नोटिस को आप देख सकते हैं, ये जो आया था दोस्तों 13 अप्रैल 2021 को ये नोटिस जारी किया गया था, और इस नोटिस को जो सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें दोस्तों 6 महीने का जो ट्रेनिंग था 14,000 वाले जो अभ्यर्थी थे उनका दोस्तों यहां पर समापन होने जा रहा है, जिसको लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस के अंदर उन्होंने बता दी है कि इसका जो सब कुछ शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, और पासिंग आउट परेड है वो भी इसकी डेट है वो क्लियर यहाँ पर कर दी गई है, 28/5/2021 इसकी डेट यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अब FA में आप सभी अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि 22 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग बताई जा रही है, तो दोस्तों अभी कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया जिसमें बताया गया है कि 22 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, अभी थोड़ा आप इंतजार करिए, ये जो नोटिस आया इसके बाद दोस्तों आपको नोटिस है वो देखने को जल्द ही मिल जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, इतना भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब समय ज़्यादा नज़दीक होता है तो सभी अभ्यर्थियों का इंतजार रहता है कि JTC लगभग उसी डेट पर हो तो उसी डेट पर ही करा दी जाए, मगर दोस्तों सरकार जो चाहेगी वही होता है, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और JTC लगभग इसमें डेट क्लियर कर दी है जो कि यहाँ पर JTC 22 अप्रैल बताई गई थी, अभी कैसी ऐसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कि आपकी JTC लगभग 22 अप्रैल के बाद ही होगी, उसके लिए आपको क्या है कि ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी पता चलेगा कि JTC आगे हमारी कितनी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो POP की डेट है वो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है भर्ती बोर्ड की। बाकी इस नोटिस के अंदर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सभी यहाँ पर पुलिस लाइन जनपद हैं, यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं
उनका दोस्तों यहाँ पर जो बदायूं, बरेली, देवरिया, फतेहगढ़ जो भी यहाँ पर जो ज़िले हैं इनके अंदर दोस्तों अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी दोस्तों यहाँ पर सूची ये दिखाई गई है। तो आप इंतज़ार करिए दोस्तों, जितने भी सिविल कैंडिडेट हैं 22 अप्रैल तक आप वेट करिए, कोई ना कोई आपको नोटिस देखने को ज़रूर मिल जाएगी। GTC लगभग डेट कितनी बड़ी है ये दोस्तों हम कह नहीं सकते कन्फर्म अभी कि कितनी बढ़ सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कमेंट में कि GTC डेट लगभग 17 दिन बढ़ी है या 10 दिन बढ़ेगी, तो दोस्तों उनका ऐसा कहना है। हमारा दोस्तों अभी ऐसा कहना नहीं है, जब तक ऑफिसियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आपके लिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और अधिकारियों का दोस्तों यही कहना है कि आप ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करिए, लगभग जो कि दोस्तों जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दी जाएगी। इस समय दोस्तों COVID-19 है वो ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों चल रहा है इस वजह से, और उससे पहले भी अभ्यर्थी जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी तो डेट दोस्तों निर्धारित कर दी गई है, 28/5 उनकी डेट रख दी गई है। अब दोस्तों ऐसे में अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हमारी जो 17,000 वाले कैंडिडेट हैं उनकी दोस्तों JTC की डेट कब तक आएगी, तो आपको भी नोटिस है वो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैसी कोई भी फर्दर अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा।